जी हाँ, तुलसी पेंट्स के रंग अब आरसीएम के संग। तो सबसे पहले मैं खुशखबरी देना चाहता हूं कि और टाटा कॉफी लिमिटेड को आरसीएम तुलसी पेंट लगाया गया है और उनके सभी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अब आरसीएम का ही पेंट लगेगा, ऐसा एक अप्रूवल हमें उनसे मिला है। ठीक इसी तरह से बॉश का नाम हम सबने सुना है, बॉश इंडिया का जो हेड ऑफिस है वहां पर भी आरसीएम का पेंट लगाया जा रहा है। 9 स्टोरी बिल्डिंग है वो, 9 मंजिला इमारत है जहां आरसीएम के पेंट को लगाया जा रहा है। इसके साथ ही साथ कई सारे मंदिर, ये फोटोज जो आप देख रहे हैं, कई सारे मंदिर, कई सारे मस्जिद, कई सारी चर्चेस, ये सब आरसीएम तुलसी पेंट से रंगाई गई इमारतें आपके सामने आप देख रहे हैं। कई सारे स्कूल, कई सारे कॉलेजेस, कई सारे हॉस्पिटल, कई सारे क्लब्स और न जाने अनगिनत घर अब आरसीएम तुलसी पेंट से ऑलरेडी रंगाए गए हैं, रंगाए जा रहे हैं। आरसीएम तुलसी पेंट्स में क्या प्रोडक्ट है और कितने प्रोडक्ट है, बेसिक्स को मैं बता दूं तो पेंट इंडस्ट्री में कोई भी प्रोडक्ट जो आता है वो 3 P में डिवाइडेड है। पहला P प्राइमर होता है, दूसरा P पुट्टी होती है और तीसरा P जो होता है वो पेंट होता है। 3 P में किसी भी प्रोडक्ट को डिवाइड किया जाता है, या तो वो प्राइमर होगा, या तो वो पुट्टी होगी और या तो वो पेंट होगा। बात करें प्राइमर की, तो प्राइमर क्यों लगाते हैं, प्राइमर क्या होता है, बहुत बहुत मिनिमम प्रोडक्ट है जो मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करते हैं साथियों। तो प्राइमर क्या होता है, प्राइमर क्यों लगाया जाता है, प्राइमर नहीं लगाने से क्या हो सकता है, तो प्राइमर साथियों सबसे बेसिक सी चीज, पेंट से पहले लगाए जाने वाला जो प्रोडक्ट होता है उसको प्राइमर कहते हैं। प्राइमर जो है वो जो हमारी सीमेंट की दीवारें होती है जो पानी खींचती है, और वो हमारे पेंट का पानी नहीं खींचना चाहिए इसलिए प्राइमर का इस्तेमाल होता है। प्राइमर इसलिए भी लगाया जाता है ताकि ऊपर लगाए जाने वाले टॉप कोट पेंट को अच्छी बॉन्डिंग मिल सके दीवारों के साथ में, और इतना ही नहीं तो उसकी जो व्हाइटनेस है, उसकी जो ब्राइटनेस है, उसकी जो खूबसूरती है, प्राइमर उस टॉप कोट की खूबसूरती को भी, इमल्शन की या पेंट की खूबसूरती को भी बढ़ाता है। बात करें पुट्टी की, तो पुट्टी एक ऐसी चीज होती है जो दीवारों को लेवल करने के लिए, आपने सुना होगा, बिरला सुना होगा, वॉल पुट्टी सुना होगा, वॉल केयर सुना होगा, ऐसे कोई नाम आपने सुने होंगे। तो पुट्टी दीवारों को स्मूथ करने के लिए, दीवारों को चिकना करने के लिए, और उसमें जो अंड्यूलेशन है उसको प्रकार की होती है, पाउडर फॉर्म में होती है जो बैग में अक्सर हम देखते हैं, जो आरसीएम में बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है, और एक बकेट में आती है जिसको पॉलीमर पुट्टी कहते हैं, जो आज आरसीएम में अवेलेबल है, जो पेस्ट फॉर्म में रेडी होती है। और तीसरे पी की साथियों अगर हम बात करें तो तीसरा पी जो है वो पेंट होता है। तो पेंट हमारे घर की रक्षा तो करता ही है और उसकी सुंदरता को बढ़ाता है। अगर कोई करोड़ों रुपए का घर बना ले, कोई लाखों रुपए करोड़ों रुपए की बिल्डिंग बना ले और उसको पेंट ना करे तो हो सकता है कि वो लगेगी भी नहीं कि मतलब कोई बिल्डिंग बनाई गई। तो पेंट इस पर्पज नजर डाले साथियों, तो हमारे पास 3 प्राइमर है, जैसे मैंने कहा पोलार, मिंट और प्रेज। हमारे पास एक पुट्टी है और हमारे पास 6 पेंट या 6 इमल्शन है, जिसमें 2 अंदर से लगाए जाने वाले, 2 बाहर से लगाए जाने वाले, और 2 कुछ स्पेशल प्रोडक्ट है जो बाहर और अंदर दोनों जगह लगाए जाते हैं और वो थोड़े से प्रीमियम कैटेगरी में आते हैं। तो ये हमारी प्रोडक्ट रेंज है, बहुत लिमिटेड प्रोडक्ट रेंज में अनलिमिटेड बिजनेस किया जा सकता है इस प्रोडक्ट के माध्यम से। थोड़ी सी बात मैं उस पर आज करूंगा। इसके अलावा साथियों हमारे पास रोलर्स भी हमारे सिस्टम में जो पेंट को लगने वाले हैं, और ब्रश, पेपर, पत्रा, हर चीज की तैयारी है कि वो बहुत जल्द ही सिस्टम में लॉन्च करे जाएंगे। अगर हम अपने प्रोडक्ट कंपैरिजन की बात करें तो हमारे कौन से प्रोडक्ट मार्केट की कौन सी प्रोडक्ट के बराबर है, एक चार्ट आप आपके सामने देख रहे होंगे, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं अगली कुछ स्लाइड्स में आपको बताने की कोशिश करूंगा। इसको समझना, इसको याद रखना, इस पर काम करना बहुत बहुत जरूरी है साथियों। अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि आदमी की 3 बेसिक जरूरतें होती है, रोटी, कपड़ा और मकान, और आरसीएम की शुरुआत कपड़ों से हुई थी जिसके कारण लाखों लोगों के घर में रोटी आई थी। अब मकान की बारी है,
और तुलसी पेंट्स मकान की दिशा में पहला कदम है। मेरा यकीन है आने वाले दिनों में कारपेंटर प्लाईवुड काटेगा, प्लम्बर पाइप काटेगा, उसका भी पैसा पेंटर को आएगा। इतनी ताकत हमारा यह सिस्टम रखता है। थैंक यू साथियों, धन्यवाद, जय आरसीएम।